शादी का झांसा देकर युवक ने लूटी युवती की अस्मत। 3 साल तक बनाए शारीरिक संबंध, फिर दिया धोखा। अब युवती ने पुलिस से लगाई इंसाफ की गुहार। जी हां, शादी का झांसा देकर युवक लहित ने युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाए और अब शादी से इनकार कर दिया है। पूरा मामला पीलीभीत के पूरनपुर नगर का है, जहां युवती ने पुलिस को दिए शिकायती पत्र में बताया कि शेरपुर कला निवासी युवक का युवती के घर आना जाना था। इसके चलते युवक ने युवती को प्रेम जाल में फंसाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिए। विरोध करने पर आरोपी ने अपना रिश्ता युवती के साथ तय कर लिया और युवती को घर से बाहर घुमाने भी ले जाने लगा। इसी के चलते अक्सर युवक युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा, उसका फायदा उठाता रहा। लगभग दोनों के बीच 3 साल तक रिश्ता चलता रहा। फिर युवक विदेश में काम करने चला गया था, लेकिन युवती से फोन पर बात करता रहा। वहीं जब युवक विदेश से घर वापस लौटा तो उसने बहनोई से शादी में कार देने की मांग कर दी। कार न देने पर अब शादी से इनकार कर रहा है। शिकायत लेके ये आए कि लहित नाम का जो व्यक्ति है उससे मेरी शादी लगी थी। शादी लगने के बाद में मेरी मोहब्बत चलती रही। उसके बाद में फिर उसने मुझसे कहा, मिलने के लिए कहा था, तो मैंने उससे मना भी किया। फिर उसने कहा कि शादी तो हम ही को करना है। वह तो ऐसे चलता रहा। फिर उसने, मैं फिर से हो गई, प्रेग्नेंट हो गई थी। फिर मैंने उससे मना करा कि मैं अपना बच्चा नहीं हटाऊँगी। तो उसने कहा था, अगर नहीं हटाओगी तो मैं शादी तुमसे नहीं करूँगा। फिर क्या हुआ? फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मुझे विश्वास है इसके ऊपर, मैंने हटा दिया। हटाने के बाद में उसने मुझसे कहा कि अब मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा, विदेश चले गए। जब विदेश चले गए तो विदेश से बात होती रही मेरी उनसे, ऐसी बात करते रहे। जब मेरा प्रेग्नेंट हटा दिया था तो वो ऐसी बात करते रहे। फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि हम शादी तो करेंगे, लेकिन हमें 4 पहिए की गाड़ी चाहिए। उनकी बहनोई ने करवाया था अखलाक में। तो हमने उनसे पूछा कि आपसे ये बात किसने कहा? तो उन्होंने कहा कि हमारे बहनोई हैं, वो हमारी बारात लगा रहे हैं। शेख वहाँ से लगाई है इनकी बारात बीसलपुर से, वहाँ से हमें 4 पहिए गाड़ी मिलेगी। जहाँ हमें 4 पहिए गाड़ी मिलेगी हम वहीं जाएंगे, और अगर उनकी शादी हमारे साथ ना हुई तो हम जहर खा लेंगे। हमारे मौत के जिम्मेदार लहित के घर वाले हैं, उसका बहनोई है, और ये पुलिस वाले होंगे अगर इन्हें कोई आपदा से नहीं उठाया हमारे लिए। तो सुनी आपने पीड़िता की आप बीती। पीड़िता का साफ कहना है कि उसके पेट में रुके गर्भ को गिरवाया गया और फिर जैसे ही उसने बच्चा गिराया प्रेमी बदल गया और अब वह दहेज में कार की मांग कर रहा है। और जब वह पुलिस के पास जा रही है तो पुलिस भी टाल मटोल कर रही है। ऐसे में अगर इंसाफ नहीं मिला तो वह कोई गलत फैसला उठा सकती है, जिसका जिम्मेदार आरोपी, उनके बहनोई और पुलिस होगी। पीलीभीत से प्रेम पाठक की रिपोर्ट, NDTV भारत।